फाइनली टाइम आ गया जी दुबई के JW मैरियट होटल, जो कि मेरे को एमिरेट्स ने फ्री में दिया था, इसको छोड़ के जाने का अपनी फैमिली की तरफ कनाडा। बड़ा ये बिजी होटल है, बस टैक्सी की वेट हो रही है। जैसे आएंगे वो मेरे को बेल डेस्क से बता देंगे, संभाल लेंगे और निकलेंगे। आगे वाली सीट आगे बढ़ी है, पीछे भीड़ बहुत है तो उसको आगे बैठने का मेरे को मौका नहीं मिला सीट पीछे करके। सर ये टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। अब ये जी इनका बिजनेस एंड फर्स्ट ओनली ड्रॉप ऑफ गेट है। यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर जाओ ना, सिर्फ चेक इन काउंटर ही बिजनेस और फर्स्ट के हैं, और इतने सारे हैं और सब में भीड़ होती है क्योंकि भाई ऑब्वियसली बहुत बड़ी एयरलाइन है। एमिरेट्स में पोर्टर सर्विस जो है वो भी इंक्लूड ही होती है। अब यहाँ से अपन चलते हैं, तो बहुत ठंड कर रखी होती है एयरपोर्ट में। भाई जी रात के 12 बजे इतनी क्रेजी भीड़ हो रही है, भाई साहब इतनी ज्यादा भीड़ है कि पूछो मत। बाकी मैं एक्चुअली ना गला यहाँ पे गर्म सर्द बहुत ज्यादा होती है, एसी गर्मी, ऊपर से बॉडी का रेस्ट ही नहीं हुआ इतने दिनों से, तो मुझे लग रहा है गला इन्फेक्शन पकड़ा जा रहा है, इसलिए फार्मेसी ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे स्ट्रेप्सिल्स ले लूंगा विदाउट शुगर वाली, आई होप उसे थोड़ा सा आराम आ जाए। अरे ये तो बहुत बढ़िया भाई पुराने वाले के मुकाबले। पिछली वीडियो में जो आपने देखा उसमें ये सब कुछ नहीं था, आगे पैर रखने की जगह इलेक्ट्रॉनिक बड़ा वाला रिमोट कंट्रोल, स्क्रीन इसकी वाकई एक्चुअली बहुत बड़ी है पुराने वाले के मुकाबले। ये कहाँ से खुलता है सामान? ओके इसमें दो टेबल है। खाना वाना मंगवाना हो तो अपन तो अभी लाउंज में खा के हैं तो लेट ही खाऊंगा। सबसे बड़ा डिफरेंस उसमें ये है कि इसमें तीन की जगह ना सेंटर में दो सीटें, तो थोड़ा सा लेग रूम ज्यादा, सीटें थोड़ी सी चौड़ी बड़ी हो जाती है, विच इज अ गुड थिंग। बट अदरवाइज इतने सारे फ्रेंच लोग हैं ना, मेरे को इतनी फ्रेंच नहीं दे रही, पता लग रहा है ससुराल जा रहा हूँ क्योंकि सारे मॉन्ट्रियल जा रहे हैं। चलो अपने साथ कोई था नहीं तो थोड़ा आराम हो गया, सामान रखने की थोड़ी जगह खुली हुई। वीडियो यहीं से अपलोड हो रही है एयरपोर्ट के वाईफाई से, बस बैग्स आने की वेट है। प्रायोरिटी मार्क जो है ना वो पहले पहले आ जाते हैं। पूरी फ्लाइट अपने बैग की वेट कर रही है, जितने बिजनेस क्लास वाले थे उनके आ भी गए, लोग मोस्टली निकल गए। पहली बार मैंने देखा कि बेल्ट ही अलग कर दी है, अपना भी सामान आ गया और फ्लाइट वेट कर रही है। चलो ठीक है यार, जो छोटी मोटी एडवांटेज पॉइंट्स देके मिलती है। क्योंकि मेरे को टैक्सी मिली हुई थी तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि भाई आप लेने मत आओ, खामखा की तकलीफ हो जाएगी। वो अभी जो है ना मेरे साले साहब के घर पे, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, वैसे टैक्सी करके जाता तो बहुत महंगा पड़ता, 50 मिनट का रास्ता है, मगर क्योंकि 50 किलोमीटर्स जो है 80 किलोमीटर्स इंक्लूड है इनकी टैक्सी में एमिरेट्स से जो मिली है, बस अब ये है कि मेरा यहाँ वाला सिम चल नहीं रहा, पता नहीं क्या वजह हो गई है। जब तक मैं बाहर निकलूँ बंदा गायब ना हो जाए, और वीडियो अपलोड होने में भी वेट करनी है क्योंकि रास्ते में इंटरनेट नहीं होगा। देखना पड़ेगा भाई कोई खड़ा अपने नाम का बिल्ला, क्योंकि कैसे पता लगेगा उन्हें मैं आ रहा हूँ। यहाँ ये जीपीएस इतने एक्यूरेट होते हैं, जैसे यहाँ जो दिखा रहा ना वही सामने आ रहा है पॉइंट चंपला, तो बता रहा है कि कौन सी लेन आपने पिक करनी है। जाता
So the car that we are in right now is Lincoln. It's my first time I am in this car. And what's the name of the vehicle, sir? So this one is called the Lincoln Aviator. Aviator, okay. That's right. This is somewhat like we have a Fortuner in India, but maybe a lot more luxurious. मसाज वाली सीटें लगी हुई हैं तो बढ़िया थोड़ी सी ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करेगी. बिसाइड्स यहाँ पे ना बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ओके होती हैं नॉर्थ अमेरिका में. अभी इंडिया में तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है. जैसे एस्केलेड आती है, आप लगा लो कैडिलैक की, तो या फिर काली दिनाली का तो नाम आपने बोहेमिया की गानों में सुना ही होगा. हेलो जी, हाउ आर यू? मिसिंग यू. मिसिंग यू वेरी मच सर. ओह, आई विल गेट इट. Very kind of you. Thank, thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Bonjour. Bonjour. Ça va très bien. Ça va très bien. Merci beaucoup. Oui, très bien. Merci. Bonne journée. Merci. Par les mains. गियूम और उसकी गर्लफ्रेंड जो है एक बड़ी लंबी बैकपैकिंग ट्रिप पे निकल रहे हैं कल सुबह सुबह, तो इसीलिए मैंने ये टैक्सी की एडवांटेज ली और मैं उनके घर मिलने के लिए आ गया कि थोड़ी देर मिल लूँगा और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं. वरना सैंड्रा अगर मेरे को डायरेक्टली पिक करती और हम सीधा ऑटो में निकल जाते तो थोड़ा बहुत छोटा ही पड़ता. बट गियूम से मिलना हो गया. वैसे तो पापा जी से भी मिलना था मगर वो अभी थोड़ा दूर अपने मोटर होम को सेट कर रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट के लिए, तो उनसे एक दिन में मुलाकात करेंगे. और मेरी थोड़ी हालत डाउन हो गई. जब वेदर बहुत ज़्यादा चेंज होता है या एग्जर्शन हो जाती है ना, दुबई, थाईलैंड, फिर कनाडा, दुबई होते हुए गला बैठ जाता है. और मेरे को वही लग रहा है इन्फेक्शन फिर से ना पकड़ ले, स्ट्रेप थ्रोट वाली प्रॉब्लम. तो इसलिए आई कीप इट इजी फॉर टुडे एंड वेरी एक्साइटेड टू गो एंड मीट माय फैमिली आल्सो. फैमिली बियॉन्ड माय वाइफ आई मीन. भाई अकड़ गया मैंने लंबे सफर तो, गले से आवाज में निकली, थोड़ा रेस्ट ही करना पड़ेगा. बट ये है कि चलो मोटर होम देख के बड़ी खुशी हुई. अपना प्यारा तार लगी हुई है ताकि बैटरी लूज ना हो. मगर मेरे यहाँ आने के दो तीन मेन सबसे इम्पोर्टेंट रीजंस में से एक ये भी है, वो डिस्कस करेंगे कल. चलो चलो योर टर्न. बहुत ठंडा क्या, गले का क्या हाल है? गड़बड़ है. और यू फाइन? कम कौन से आसन? अच्छा पट्टी कर रहा है इस वेले? लाइट जला के दिखाओ, पोटी कर रहा है? तेरे को एक लाइट जला के दिखाते हैं. अच्छा, ओ ये तो वही लाइट है जब पर जाई. ओ अच्छी लाइट है. ट्रॉल हुई है इस लाइट के चक्कर में आप लोगों की? सनी की ज्यादा हुई है. अगर आप लोगों को पता नहीं किस बारे में बात हो रही, तो मेरे भाई भाभी का जो यूट्यूब चैनल है चैटी एंड स्कैटी, उस पर उन्होंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी इस बल्ब को बदलने की. सनी वहाँ खड़ा हो गया तो उसने सीढ़ी को ऐसे हाथ से पकड़ लिया था, भाभी जी ने इसको पकड़ा है. बड़ी जबरदस्त वीडियो थी, देख के बड़ा मजा आया. मगर बाद में उनको बड़ी वो सुनने को मिली इनकी मदर से भी सबसे, कि क्या ये रिस्क ले रहे हो. ससुराल से भी डांट पड़ी. अच्छी बात है. दिन हो गया ये अगला और हालत हो गई है ज़्यादा ख़राब. कल आया भाई भी बार में आया, तो उस टाइम पे मेरे गले से बिल्कुल जिसे कहते हैं जीरो आवाज़ निकली थी, बहुत हालत टाइट थी. तो हमने ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाई, थोड़ी फैमिली गपशप मारी. मैं सो गया उसके बाद कई घंटे, फिर उठा फिर भी हालत ख़राब. दवाइयाँ खानी शुरू कर दी हैं, गरारे की हैं बीटाडीन के. गले की मम्मी सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है. और यहाँ पे मुसीबत ये है कि यहाँ पे अगर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी हो ना, जो इनका फैमिली डॉक्टर साइन हुआ हुआ है, महीने महीने तक उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं होती. और अपॉइंटमेंट ना हो तो बंदा कहे कि चल मैं वॉक इन चला जाता हूँ, तो वॉक इन में तीन तीन चार चार घंटे कई बार बैठना पड़ता है. कई बार इतनी लाइन लगी होती है वॉक इन पे कि जो आपके आगे लोग होते हैं, जब उनकी रजिस्ट्रेशन पूरी हो जाए तो आधे पौने घंटे बाद आपको भगा देते हैं कि जी रजिस्टर पूरे हो गए, डॉक्टर की आज ही कैपेसिटी फुल, आप लोग जाओ. यहाँ बड़ी मुसीबत है मेडिकल की. पर अब देखते हैं क्या होता है. एटलीस्ट मतलब मैं जाके कम से कम अपनी कोशिश ये करूँगा कि उनको बोलूँगा जो मेरे डॉक्टर साहब है ना, मेरा पुराना रिकॉर्ड निकालो. उन्होंने मेरे को लास्ट टाइम जो एंटीबायोटिक दी थी वो प्रिस्क्रिप्शन, मेरे को प्रिस्क्रिप्शन नहीं वो उसका नाम बता दो, क्योंकि यहाँ पे आप एंटीबायोटिक बिना प्रिस्क्रिप्शन के खरीद नहीं सकते. फिर ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे जाके ना वर्चुअल अपॉइंटमेंट ले लूँगा और उसको बोलूँगा भाई मेरे को ये प्रिस्क्राइब कर दे.
क्योंकि मेरे को लास्ट टाइम मेरे डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब की थी, मेरे को सूट करती है मेरे थ्रोट इन्फेक्शन के लिए। वैसे लोग इंडिया से लेके चलते हैं, मगर मैं जानबूझ के इस बार लेके नहीं आया कि अगर बाय चांस कुछ होगी भी तो यहीं की मेडिसिन जो है यहाँ पे ले लूँगा एक्स्ट्रा सेफ्टी। पर अब लग रहा है लेनी चाहिए मम्मी। वो जो मेरे को वो बताते हैं ना, वो बड़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, हर काम के लिए वही यूज होती है, दांत के लिए भी, चोट के लिए भी, हर चीज के लिए। जो यहाँ वाले डॉक्टर ने बताया, उसने मेरा थ्रोट का कल्चर टेस्ट किया था, उसने कहा था आपका ना ये वाला पर्टिकुलर बैक्टीरिया, उसका नाम भूल गया दवाई का, तो उसने कहा कि अब ये वाले लो, उसे थोड़ा सा जल्दी आराम आ गया था। और एंटीबायोटिक तो भैया बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खानी चाहिए, कभी भी उसका कोर्स नहीं मिस करना चाहिए, क्योंकि बॉडी बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होती है, और जितनी हो सके कम आपका काम चलता हो तो कम लेने चाहिए। बाकी नाश्ते की क्या तैयारी है? चीले बन रहे हैं दाल के। अच्छा, ब्रोकली डालूंगी बीच में। वेरी गुड वेरी गुड। चीले यही खाते हैं हम तो सुबह नाश्ते में। और मैं आया यहाँ बड़े जरूरी काम से जो कि करना पड़ेगा ठंड में, तो वो समझ नहीं आ रही और वो टाइम बाउंड है, तो इसीलिए अभी देखते हैं। ये लोग में पारस भाभी ने भेजी है अभी कुकीज़ आपके फेवरेट। भेजी है भाई, मैं याद कर रही थी मैंने कहा उसने दिवाली पे बनाए तो होंगे। हाँ। देखो मनी लेके आता है नहीं लेके आता। लोरी आ गई है। चलो थैंक यू बोल देना। सबसे बढ़िया मैं बार बार यही बोलता हूँ भाई, ना इनके अंदर मैदा और ना चीनी, गुड़ और उससे आटे से बनी हुई हेल्दी कुकीज़ हैं। आप भी चाहे तो भाभी जी का लिंक मैं यहाँ पे देता हूँ, ऑर्डर कर सकते हैं दिवाली पे गिफ्ट करने के लिए, बहुत अच्छी आइटम है। हाँ जी, अब जी देखो मेन सिचुएशन ये है कि कनाडा में पड़ रही है ठंड, बहुत ज्यादा शुरू हो गया, शुरू हो चुका है। मैं अपने हिसाब से जितनी जल्दी आ सकता था आ गया, मगर अब इस मौसम में मोटर होम तो यूज हो नहीं सकता क्योंकि भैया पाइपों वगैरह की प्रॉब्लम है, और 2-3 दिन के अंदर टेम्परेचर माइनस में जाने वाला है, तो उसकी भी हमने थोड़ी सी भी तैयारी करनी है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं मोटर होम लेके हम थोड़ा अब साउथ की तरफ निकलेंगे, और विचार ये चल रहा है कि भैया सैंड्रा साथ जा पाएगी कि नहीं, कि भैया उसका काम जो वो अभी प्लान कर रही है वो उसको अलाउ करता है नहीं करता, तो इसलिए मैं तो जा ही रहा हूँ। बाकी रेडी रहती हैं? मैं रेडी नहीं रहती है, चस्के लग गए हैं। ये मम्मी कहती है, मेरे को फोन आया, कहती बेटा तू यूएसए जा रहा है? मैंने कहा हाँ। कहती मेरा ना वीजा जो है 6 मंथ्स अलाउ होता है एक स्टे में, तो वो मेरे तो पूरे होने वाले हैं, वीजा की एक्सटेंशन डाल रखी है, उसका जवाब आया नहीं अभी तक, तो देख ले मैं भी चल लूंगी तेरे साथ यूएसए थोड़ा टाइम। वैसे यूएसए बॉर्डर क्रॉस करके आओ तो वो स्टैंप नहीं लगाता कई बार, अगर 2-1 दिन में हुआ, क्योंकि तो हर कोई ऐसे ही करेगा, 6 महीने यहाँ रहेगा यूएसए का, मगर अगर महीना लगाया हो फ्लाइट से आ जाओ या मैक्सिको तक हुआ हो तो लग जाती है स्टैम्प। तो इसलिए मम्मी ने कहा कि चल ठीक है, तू साउथ अमेरिका के साउथ तक तो जाएगा ही, वहाँ से हो सकता है मैक्सिको भी, मेरे को बॉर्डर भी टपा लाई हो, तो मैं चल लूँगी साथ में, कि भाई मेरी स्टैम्प लग जाएगी, मैं 6 महीने यहाँ और रह सकती हूँ, बात हो गई। मैंने कहा चलो देख लेंगे। मैं यहाँ आया हूँ, पता लगा कि मम्मी की चिट्ठी आ गई है कि भाई आपका एक्सटेंड हो गया है स्टे, कब तक? 31 जनवरी तक। 31 जनवरी तक। अब मम्मी सोच में पड़ गई, मम्मी कहती मेरा काम तो हो गया नहीं, अब मैं जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि मेरा तो वीजा लग गया है। अब क्या विचार है? ठीक है, देखती हूँ अभी, पहले ये बताएगा ना कौन कौन सी जगह जा रहा है। बढ़िया जगह जा रहा है, लेकिन जा रहा तो मैं जहाँ मैं पहले गई हुई हूँ। हाँ। तो सारा घूम लिया ना एक साइड अमेरिका, वो तो सारे लोग घूम चुके, हमने क्या घूमा, तो इसलिए सेम जगह नहीं जाएंगे। यूएसए भी बहुत बड़ी कंट्री है, कई ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ के अपने ही कल्चर है, और मेक्सिको ले चलता हूँ आपको अगर चलोगे तो। मेरा बड़ा मन है यूएस मेक्सिको बॉर्डर क्रॉस साइड तो जा रहा है, उधर से मेक्सिको जा सकते हैं। हाँ, साउथ जा रहा हूँ ना, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ देखो, पिछली बार हम गए थे फ्लोरिडा, हमारा काफी चीजें वहां मिस हो गई थी, उसी के साथ घूम ही नहीं पाए। उसी के साथ मम्मी लगता है टेक्सास, जो कि जिसे कहते हैं आप अमेरिकन मूवीज में देखते हैं ना, काउबॉय और बंदूकें यहाँ पे लेके घूम रहे हैं, ट्रेडिशनल अमेरिकन हैं, ब्रेकिंग बैड, रैटल स्नेक्स हैं, अच्छा अच्छा, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन याद है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ वाला याद है। वो टेक्सास का था। तो चले फिर, चल ये बता कितने घंटे पड़ जाएंगे? वो तो खैर हमने तो खैर रुक रुक के जाना है, ऐसे गाड़ी में सीधा जाओ तो भैया 12-15 घंटे की ड्राइव है, ज्यादा भी हो सकती है। नहीं चल, रुकते पड़ते चलेंगे वो तो वहाँ। भाई अगर आप चाहते हो मोटर होम ट्रिप यूएसए पार्ट 3 शुरू करें, और ऐसा यूएसए देखें जो हम पहले नहीं गए, माता जी को साथ ले, थोड़ा मेक्सिको हुआ है, देखेंगे अगर लंबा मूड बना और आगे निकल जाएंगे। डीसी दिखाओ, डीसी दिखाओ, वाशिंगटन डीसी आपने देखा नहीं? देखा ना है, चलो रास्ते में डीसी मम्मी को दिखाते हुए ले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, क्या कहते हो फिर? व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस। ओह चलो, मम्मी को व्हाइट हाउस से कोई दिलचस्पी नहीं, मम्मी को कह रही तू अपना हाउस दिखा मेरे को,
उसका भी क्या चल रहा है बताएंगे आपको, बट चलो ठीक है फिर फिलहाल की वीडियो यही समाप्त करते हैं। मैं ज्यादा मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, तबीयत भी थोड़ी ढीली है, आपको अपडेट देते हैं जो भी हमारा आगे प्लान बनता है, जल्दी ही बनाएंगे क्योंकि यहाँ मोटर रूम ज्यादा टाइम खड़ा हो नहीं सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।